नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। 5 माह से घर से रहस्यमय ढंग से घर से लापता हुए चिकित्सक का सुराग लगाने में 5 माह बाद भी नाकाम। पुलिस चिकित्सक का सुराग नहीं लगा पा रही। परेशान परिजन लगातार पुलिस अफसरों की चौखट पर माथा टेक रहे हैं। पुलिस से न्याय न मिलता देख परिजनों ने न्यायालय के आदेश पर आशंका जाहिर कर कुछ लोगों के विरुद्ध चिकित्सक के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि उसके बाद भी पुलिस चिकित्सक का सुराग नहीं लगा रही। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के सिबरी बाजार थाना क्षेत्र के आवास विकास के पुरी कॉलोनी निवासी अर्पणा द्विवेदी ने मंगलवार को एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनके पति एसपी द्विवेदी जिला बांदा में सरकारी अस्पताल से जिला कुष्ठ रोग अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद से वो परिजनों के साथ ही रह रहे थे। उन्होंने बताया कि 27 मई 2022 को उनके पति घर से बाजार दूध लेने निकले थे। इसके बाद लौट कर घर वापस नहीं आए। काफी तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस थाना और अफसरों के यहाँ शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं शिकायती पत्र के माध्यम से अपने पति को सकुशल बरामद करने और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ धीरज शिवहरे की रिपोर्ट। मेरा नाम आकांक्षा द्विवेदी है। आपको क्या कहना है इस प्रकरण में? आपके पिताजी गायब हुए हैं जी। मेरा इस प्रकरण में ये कहना है कि झांसी पुलिस जो है उसने हमारा कोई भी सहयोग नहीं किया है। 27 मई को मेरे पापा यहाँ से निकले थे और तब से लेके आज 11 अक्टूबर है, अभी तक पुलिस चौकी प्रभारी SHO किसी को भी ये फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ आके घर से मोहल्ले से पूछताछ करे, CCTV कैमरा देखे, कहीं से भी कोई भी पूछताछ करे। वो कोई पूछताछ नहीं कर रही, हमारी कोई मदद नहीं कर रही। पुलिस के आला अधिकारी सबके सब जिनके पास भी जाओ, वो जो अपराधी हैं जिनके खिलाफ FIR हमने करवाई है, उन्हीं की भाषा में हाँ मिला रहे हैं, उन्हीं की तूती अपराधियों की वो बजा रहे हैं। और हमने तो ये सुना था युवा पीढ़ी के नाते कि इस सरकार योगी सरकार में युवाओं की खासकर महिलाओं की बहुत सुनवाई हो रही है, लेकिन झांसी पुलिस और झांसी पुलिस का जो रवैया है वो अपराधियों के लिए ऐसा है कि वो अपराधियों के साथ बैठकर मिठाई खाते हैं और जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो पीड़ित युवा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनको इस तरीके से 4 महीने, आज 5वां महीना लग चुका है, मेरे पापा का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने 1 महीने की भी पेंशन नहीं निकाली, उन्हें किसी की जान की फिक्र नहीं है कि वो आदमी है कहाँ। मेरी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार से ये है कि कृपया झांसी पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।